अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है उसके हवाले से जो जॉब्स आई हैं वो आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया इसको फॉलो कर लें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन्स की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ISI में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है आपसे। इसके हवाले से मैंने पहले भी वीडियो शेयर की थी, लेकिन अब इसकी जो अप्लाई की डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम दोबारा दे दिया गया है, तो इसके हवाले से दोबारा आपको रिमाइंडर देना है किस तरह आपने अप्लाई करना है, कितनी फ़ी है और कौन कौन सी रैंकिंग की पोस्ट है, कम्प्लीट आपकी रहनमई कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर बात करें तो इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है 17वें स्केल की। उसके बाद सेकंड नंबर पर स्टूडेंट्स ट्रैफिक एनालिस्ट की जॉब है 16 स्केल की, असिस्टेंट की जॉब है 15वें स्केल की। उसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट की 14 स्केल की जॉब है, सब इंस्पेक्टर की 14 स्केल की जॉब है, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की 14 स्केल की जॉब है, UDC की BS 11 स्केल की जॉब है। उसके बाद स्टूडेंट्स 9वें स्केल की जॉब LDC की है, उसी तरह ऑपरेटर स्पेशल की 9वें स्केल की जॉब है और टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ की 9वें स्केल की जॉब है, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसकी 9वें स्केल की जॉब है और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की 9वें स्केल की जॉब है। अगर हम बात करें ये जो 9वें स्केल की जॉब है इसमें आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और इसी तरह जो आपकी 14वें स्केल की जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मजीद आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि अप्लाई का प्रोसेस क्या है। स्टूडेंट्स सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपने आपने अप्लाई करना है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आप ऑनलाइन ही इसमें अप्लाई करेंगे और इसकी जो फी है वो आप बैंक में भी पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐप है, जो भी आपका अकाउंट है UBL का, HBL का या फिर आपका जैज कैश है, तो आप उसके जरिए भी फी पे कर सकते हैं। इसमें जो अप्लाई की फी है वो 1500 रुपये है। 1500 रुपये की फी में आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो सेम स्केल की जो जॉब्स होंगी इसमें। जब इसका आप एड देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको इन्होंने क्लियरली मैंशन किया हुआ है कि आप सेम फी के साथ सेम रैंकिंग वाली पोस्ट में आप जो है वो सेम फी के साथ 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट स्किल्स की जॉब है, तो आप इसका मजीद ऐड चेक कर लें। बहुत प्रोटोकॉल वाली जो है वो ये जॉब है और बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये जॉब है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई कर लें, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप उस बेसिस पे भी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी, इसके हवाले से आपको बताना था। अब इसमें जो अप्लाई की डेट है वो एक्सटेंड करके 19 फरवरी 2024 कर दी गई है। तो 19 फरवरी 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो इसकी फी है वो आप बैंक में भी पे कर सकते हैं और ऑनलाइन भी इसकी फी पे कर सकते हैं। कि सीटों के हवाले से भी स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर की 15 सीटें हैं, ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर की 3 सीटें हैं। इसके बाद असिस्टेंट की 6 सीटें हैं, ट्रैफिक एनालिस्ट की 8 सीटें हैं, सब इंस्पेक्टर की 30 सीटें हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की 5 सीटें हैं, अपर डिवीजन क्लर्क की 6 सीटें हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की 6 सीटें हैं, ऑपरेटर स्पेशल की जो है वो 16 जो है वो इसमें सीटें हैं। उसके बाद टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ की 2 सीटें हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो है वो 11 सीटें हैं और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की 9 सीटें हैं। तो जो लोग भी ये जॉब हासिल करना चाहते हैं सोच आप इसमें अप्लाई कर लें। आपकी ये अप्लाई की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, आपको 10 दिन का टाइम ज़्यादा दे दिया गया है। अब आप इसमें 19 फरवरी 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके हवाले से आपको रिमाइंडर देना था, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लें। बाकी इसका जो पैटर्न है वो उसके हाल से ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर भी कर चुका हूँ। बाकी मजीद एडमिशन टेस्ट के किस तरह का होगा, कितने टेस्ट होंगे, उसके हवाले से मैं मजीद वीडियो भी आपसे 1-2 दिन तक किसी चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।